सिखाओ उनको आप हेल्दी फूड, अच्छी अच्छी चीज बनाओ उनके लिए, कच्ची चीजें खिलाओ। एक खीरा खा ले, ऐसे सुबह सुबह जा खीरा तोड़ खा, याद एक बहुत बढ़िया मूली हुआ, गाजर हुआ, निकल हुआ। कल रात में हम लोग शकरकंद कैसे भून के खाए, बढ़िया। अब पहले गांव में क्या बोलते थे, क्या क्या खाई हुआ शकरकंद, उसको बड़ा बुरा समझते थे, मतलब गरीबन शकरकंद खाए। अबे शकरकंद तेरे बाप को नहीं मिलेगा, अब कंद मूल फल भगवान क्या खाए 14 साल तक, साक कंद मूल 14 वर्ष तक ठाकुर जी यही खाए जानकी के साथ, वो नहीं खाते। तो धर्म केवल राम जी का जन्म हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वहां पर ऐसे हुआ, कल कल नदी बहने लगी, ए पीला ड्रेस पहन के आए हो कि नहीं, हे राम जी के जन्म के लिए क्या क्या लेके आए हो, चलो जमा करो यहां, रुक्मिणी का विवाह है, सोने का चैन लाए हो, कथा इसके लिए होती है, तुम्हारा सोना तुमको मुबारक, क्योंकि हम बिना सोना के ही बहुत अच्छा सोना करते हैं, मौज से सोते हैं, तुम्हारा सोना हराम कर दिया है, हमारा 3 तोला का, पड़ोसी का 5 तोला का सोना हराम। ये व्यासपीठ चढ़ावे की जगह नहीं है, मार्केट नहीं है, व्यासपीठ प्रबोध देने का है। और याद रखो, यहां वस्तुएं चढ़ा करके तुम किसी सदगुरु और व्यास को अगर सच्चे होंगे तो नहीं जीत पाओगे, हां अपने आंखों के अश्रु अगर उनके चरणों में गिरा दो तो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, कि हे गुरुदेव बस कृपा करिए, मेरे जीवन में कुछ आहलाद दीजिए। यहां आंखों के अश्रु से संकल्प होते हैं साहब, वो हाथों में संकल्प करने की जरूरत नहीं, यहां पर हाथों में पानी लेकर के संकल्प करके, हाँ मुद्रा लाओ, दक्षिणा लाओ, दक्षिणा